हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर तीन मार्च दो हजार इक्कीस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं आगे जाने से पहले दोस्तों लक्ष्य पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के क्वेश्चन नंबर वन रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज वर्थ करोड़ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द ऑप्शन फॉर टेलीकॉम एयरवेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा आंसर ऑप्शन ए एंड ओनली स्टेटमेंट थ्री गलत है तो दोस्तों बेसिकली स्पेक्ट्रम ऑप्शन जो चल रहा है उसी के बारे में बात हो रही है जिसको ऑप्शन फॉर टेलीकॉम एयरवेव भी बोलते हैं सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे क्या लिखा है यूनियन गवर्नमेंट ऑनस ऑल द पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स विद इन द जोग्रेफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री विच ऑल्सो इंक्लूड एयरवेव्स देखो दोस्तों हमारे कंट्री के जोग्रेफिकल बाउंड्री के अंदर जितने भी पब्लिक अवेलेबल एसेट्स आता है जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है वो सबकी अथॉरिटी किसके ऊपर है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर है जिसमें एयरवेवस भी इंक्लूडेड है एयरवेवस मतलब जिससे हमारे मोबाइल नेटवर्क चलता है अब देखो बहुत सारे बड़े बड़े कॉपरेट्स से टेलीकॉम सेक्टर में वो सब अपने कंट्री के जो आसमान है जिसमें से एयरवेवस पास होता है उसी की इस्तेमाल हो रही है ना तो गवर्नमेंट वो जो एयरवेव्स जो स्पेक्ट्रम है वो यूज करने से भी चार्ज कर सकता है तो इसका ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑप्शन बोलते हैं देखो एक एक फ्रीक्वेंसी के ऑप्शन होता है कई सारे फ्रीक्वेंसीज होता है एक एक फ्रीक्वेंसी के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो है बिट कर सकता है जो बिट जीत गया वो उस फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमारे चैनल में अलग सा वीडियो है आप जाके देखिए आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं देखो एयरवेज आर सोल्ड फॉर ए अर्टन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच देर वैलिडिटी लैपसेस इज जनरली सेटेड ट्वेंटी बीस साल के लिए है एक -एक होता है दोस्तों एक एक फ्रीक्वेंसी का जो ऑप्शन होता है ना वो बीस साल के लिए होता है डिपेंडिंग ऑन द डिमांड फ्रॉम वेरियस कंपनीज प्राइस ऑफ द एयरवेज में गो हाइयर बट नॉट गो बिलो द रिजर्व प्राइस देखो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको ट्राई बोलते हैं वो एक रिजर्व प्राइस रखते हैं ठीक है वो रिसर्व प्राइस इसलिए रखता है क्योंकि बहुत सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स आते हैं बीटिंग करने के लिए तब सभी ने मिलकर आकर कम पैसे में खरीद लिया तो गवर्नमेंट के लिए नुकसान होगा ना जैसे जो टू जी हुआ था उसी की बात हो रही है तो इसलिए ट्राई ने एक रिसर्व प्राइस रखा है चाहे जितना भी कम बोलो रिसर्व प्राइस से रिसर्व प्राइस से नीचे नहीं जा सकता ठीक है रिसर्व प्राइस इज ए मिनिमम प्राइस दैट इज सेलर वुड बी विलिंग टू एक्सेप्ट फ्रॉम ए बायर इफ द रिसर्व प्राइस इज नॉट मेड सेलर इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेल द आइटम इवन टू द हाइएस्ट बिल्टर ठीक है रिजर्व प्राइस के नीचे अगर कितना भी बोलो हाईएस्ट बिड भी होने दो वो बे, बेचेगा नहीं गवर्नमेंट जो है कोई भी ऑपरेटर को बेचेगा नहीं रिजर्व प्राइस तो देना ही देना है रिजर्व प्राइस इज रिकमेंडेड बाई द ट्राई ठीक है तो रिजर्व प्राइस रिकमेंड कौन करता है हमारा टेलीकॉम रे, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिकमेंड करते हैं अब हमारे स्टेटमेंट्स में चलिए देखते हैं पहला क्या है यूनियन गवर्नमेंट ऑनस ऑल द पब्लिकली अवेलेबल एसेट्स ये मैंने बता दिया एयरवेव जहां से मोबाइल नेटवर्क यूज होता है ना तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर है तो ये स्टेटमेंट नंबर वन जो है सही है एयरवे आर सोल्व फॉर ए सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच दर वैल्ड इट्स विच इज जनरली सेट एड ट्वेंटी देखो दोस्तों बीस साल के लिए सेट होता है ये कोई लिखित नियम नहीं है फिर भी जनरली बीस साल के लिए ही होता है ऐसे चलते हुए आ रहा है तीसरा क्या है ड्यूरिंग ऑप्शन इफ द रिजर्व प्राइस सेट बाई द ट्राई इज नॉट मेट सेलर इज टू सेल सेल द आइटम टू द हाइएस्ट बिल्टर ये गलत है दोस्तों अगर रिजर्व प्राइस तक नहीं आया ना कोई जरूरत नहीं है बेचने का ठीक है तो हमारा ऑप्शन ये सही है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मरिटल रेप लॉज इन इंडिया विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए डी ऑल आर करेक्ट तो दोस्तों रेप लॉज जो है फिर से बेनिंग टॉपिक बन गया क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक रेप कन्विट से यह पूछा कि वो जिसको रेप के उसे शादी कर सकता है या नहीं यह बहुत बवाल मचा है अभी एक बेनिंग टॉपिक बन गया उसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो भी बनाया है वो आप देख लीजिएगा शॉर्टली अपलोड हो जाएगा अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे देखो हमारा जो इंडियन पीनल कोड है जिसमें सारे पनिशमेंट्स ऑफेंसेस सबके बारे में लिखा हुआ है इसका एक सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव डिफेन करता है रेप को इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल असोल्ट इन्वॉल्विंग नॉन कॉन्सेंसुअल इंटरकोर्स विद ए वीमेन तो ये बेसिक रेप का डेफिनेशन है अब देखो हमारे सेक्शन थ्री में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्या है जिसमें एक्सेप्शन टू है एक्सेप्शन टू ध्यान दीजिएगा ये एक्सम करता है अनविलिंग सेक्शुअल इंडोकोर्स बिटवीन ए हस्बैंड एंड ए वाइफ ओवर फिफ्टीन ईयर ऑफ एज फ्रॉम सेक्शन थ्री सेवन डेफिनेशन ऑफ रेप एंड दस इम्यूनिट फ्रॉम प्रोसिक्यूशन देखो दोस्तों हमारे इंडिया में जो मरिटल लॉ है शादी के बाद जो लॉस अप्लीकेबल होता है वाइफ बेसिकली औरतों के लिए उसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है देखो दोस्तों मान लो शादी हो गया शादी होने के बाद अगर लड़की को औरत को पसंद नहीं है सेक्स करना तो हस्बैंड उसको फोर्स नहीं कर सकता ऐसा होना चाहिए ना वैसे अगर सोचने से लॉजिक ऐसा होना चाहिए पर हमारे इंडियन पीनल कोड में यह लिखा है सेक्शन थ्री फाइव का एक्सेप्शन टू में यह लिखा है अगर जो औरत है वो फिफ्टीन ईयर से ऊपर है तब वो मना नहीं कर सकते अगर उसके हस्बैंड ने फोर्सफुली उसके साथ सेक्स किया भी तभी कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है ऐसा हमारा लॉ कहता है दोस्तों। law, के औरतों को या लड़कियों को अगर हस्बैंड चाहे उसके साथ सेक्स कर सकता है कंसेंट मतलब, देना ही देना है राइट right? क्शुअल कॉन्टेट बिटीन ए हस्ब एंड वाइफ इज रिक्इज ए क्रिमिनल ऑफेंस इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया इज वन ऑफ दर्टी सिक्स दैट स्टिल हैव नॉट क्रिमिनाइज मरिटल रेप देखो दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस में इंडिया में बहुत ज्यादा केसेज आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का वो मैक्सिम केसेस आते हैं मरिटल रेप का मरिटल रेप मतलब शादी के बाद जो हजबैंड वाइफ को रेप करते हैं इसको रेप माना नहीं जाता है हमारे इंडियन लॉज के अंदर मैंने आपको जैसे बताया अब देखो बहुत सारे कंट्रीज ने इसको क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ है पर इंडिया में अभी भी इसको क्रिमिनलाइज नहीं किया है पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में बहुत सारे रिट्स आया था पिटिशंस आया था तब एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनलाइज अनविलिंग सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद ए वाइफ बिटवीन फिफ्टीन एंड एटीन ईयर्स ऑफ एज अगर पंद्रह और अट्ठारह साल के बीच में है वो ठीक है तो ये जो है अगर किसी ने उसके साथ फोर्सफुली सेक्स करने की कोशिश किया ठीक है अगर उसको राजी राजी नहीं है वो अगर वो लड़की राजी नहीं है तब ये क्रिमिनलाइज किया करके सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था ठीक है तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग कोर्ट करके उसको पनिशमेंट दे सकते हैं पर हमारे लॉ में ऐसा कुछ नहीं है अब देखो हमारे स्टेटमेंट स्टेक्मेंट स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है डेफिनेशन ऑफ ए रेप इज कोरिफेड इन सेक्शन थ्री तो सेवेंटी फाइव ऑफ द इंडियन पिनल कोड ये मैंने आपको बता दिया सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव जो है ध्यान दीजिएगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हैज क्रिमिलाइज अनविलिंग सेक्शुअल वाइफ बिटवीन 15 एंड 18 इयर्स ऑफ एज ये बिल्कुल सही है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने रीजेंटली एक जजमेंट दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दिया मतलब एक लॉ जैसा ही है मैरिज बिटवीन ए मैन एंड ए वीमेन हियर इम्प्लेज दैट बोथ हैव कंसेंटेड टू सेक्शुअल इंटरकोर्स एट इट नॉट बी अदरवाइज ये मैंने आपको बता दिया इंडियन लॉज के अनुसार हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अगर शादी हो गया तो लड़की को पसंद नहीं है वो राजी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हस्बैंड ने उसके साथ फोर्सफुली रेप भी किया ना वो कोई पनिशेबल ऑफेंस नहीं है तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारा सही हो जाता है लॉजिकली ये जो रूल है ये गलत है मेरे हिसाब से पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइबर अटैक्स चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट चूज ई इफ ऑल आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन ई ऑल आर करेक्ट तो दोस्तों साइबर अटैक जो है एक बेनिंग टॉपिक है आज के दिन में क्योंकि अक्टूबर 2020 में मुंबई में एक बहुत बड़ा पावर फेलियर हुआ था अब यूएस का एक रिपोर्ट रिसेंटली आया है और यह बोल रहा है कि चाइनीज हैकर्स ने इंडिया के पावर ग्रिड सिस्टम को हैक किया था और इसी की वजह से मुंबई में पावर फेलियर अक्टूबर 2020 को हुआ था करके तो ये रिपोर्ट अभी रिलीज हो गया तो साइबर अटैक्स जो है अब बेनिंग इश्यू हो गया इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है अब देखो दोस्तों जो, जो चारों लिखाना ये बी सी डी मैलवेयर के बारे में फिशिंग के बारे में डेनेन ऑफ सर्विस के बारे में मैन इन द मिडल अटैक के बारे में चारों जो लिखे चारों सही है ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों ये क्वेश्चन आ सकता है देखो मालवेयर का मतलब क्या है मनीष सॉफ्टवेयर रेफर्स टू एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू कॉज डैमेज टू ए सिंगल कंप्यूटर सर्वर और कंप्यूटर नेटवर्क कोई भी एक वायरस ठीक है कोई भी एक प्रोग्राम जो एक सिंगल कंप्यूटर को या एक सर्वर को या एक कंप्यूटर नेटवर्क को हानि पहुंचा सकता है वो है मैलवेयर फिशिंग क्या है फिशिंग तो आपने सुना ही होगा हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग डिजेक्टिव ई मेल्स एंड वेबसाइट्स हम कोई कोई गलत वेबसाइट में चला गया और हमारी कार्ड डिटेल्स डाल दिया तो उनको हमारी कार्ड डिटेल्स पता चल जाता है तो ऐसे बहुत सारे ई मेल से हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाता है उसकी वजह से हम जो बंदे फिशिंग कर रहे हैं वो हमारी अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है ये सब बोलता है फिशिंग जो नॉर्मल है तीसरा क्या है डेनेल ऑफ सर्विस डी ओ एस अटैक एक है अटैक मेन टू शट डाउन ए मशीन और नेटवर्क मेकिंग इट इन एक्सेबल टू द इंटरनेट यूसेस डेनेन ऑफ सर्विस अटैक का मतलब यह होता है दोस्तों वो ऐसा अटैक करते हैं कि कोई सर्वर हो गया कोई सिंगल कंप्यूटर हो वो शट डाउन हो जाता है और जो यूसेस उसको यूज करना चाह रहा होगा ना वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो शट डाउन हो गया मैन इन द मिडल अटैक क्या है इट ओकर बिन अटैके इन सर्ट दमसल इन टू ए टू पार्टी ट्रांसैक्शन अटैकेस इन द ट्रैफिक दे कैन फिल्टर एंड स्टील डेटा समझ गया टू मतलब

चार टाइप का साइबर अटैक्स है मालवेर फिशिंग डेनलो सर्विस अटैक्स मैन इन द अटैक्स और भी ज्यादा साइबर अटैक्स है आजकल तो मेन जो है मैंने आपको बता दिया राइट तो आंसर इज ऑप्शन ई और आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर फोर कंसिडर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयन सरोप रिसेंटली स्पॉटेड इन आसाम विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है तो दोस्तों सबसे पहले हिमालयन क्या है देख लेते हैं। न्यूज आया था दोस्तों यह है हिमालयन ये दिखता है लाइक ए क्रॉस बिटवीन गोट डोंकी कऊ एंड पिक तो ये चारों से मिलता है इसकी जो स्ट्रक्चर है ना चारों से मिलता है हिमालयन ये आपको मैक्सिमम मिलेगा हिमालयन एरियाज में ठीक है जहां ठंडी एरियाज है उधर ही मिलेगा तो रिसेंटली आसाम दिख गया इसलिए न्यूज में आया देखो देर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑल ऑफ आर फाउंड इन एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों इस तरह की स्टेटमेंट यूपी से फिल्म में अक्सर आता है तो ये एशिया में दिखता है हिमालयन सेरो और कैप्रिकोनिस सुमात्रिस थार इज रेस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन तो हिमालयन रीजन से रेस्ट्रिक्टेड है तो एशिया में तो होना ही है ठीक है अब टैक्सोनोमिकली इट इज ए सब स्पीशीज ऑफ मेनलैंड सेरो कैप्रिकोनिस सुमात्रिस ठीक है तो इसका साइंटिफिक नेम है ये याद करने की जरूरत नहीं है हिमालयन इज ए सब मैंने आपको बता दिया। तो सरोसिकली आप ये समझ लीजिए ये जो है as the name indicates हिमालय में पाया जाता है और ये मेनलैंड सरो का एक सब स्पीशीज भी है और दिखता ऐसे है ये हेरबी है ठीक है वेजिटेरियन है बेसिकली अब इसकी जोग्रफिकल लोकेशन देखो टिपिकली फाउंडेड आल्टीट्यूड्स बिटवीन टू थाउसेंड मीटर्स एंड फोर मीटर्स इतनी आल्टीट्यूड में ये पाया जाता है दे आर टू बी फाउंड इन ईस्टर्न सेंट्रल वेस्टर्न हिमालय बट नॉट इन द ट्रांस हिमालयन रीजन हिमालयन रीजन में दिखता है पर दो हजार से चार हजार मीटर के आल्टीट्यूड के बीच में ट्रांस हिमालयन रीजन में दिखते नहीं क्यों नहीं दिख रहा होगा क्योंकि चार सौ मीटर से ज्यादा है ट्रांस हिमालयन रीजन देखो कौन कौन सा है टिब हिमालयन रीजन जो ऊपर है ठीक है काराकोरम लद्दाख कैलाश माउंटेन रेंजेस तो ये सब एरिया में ये दिखता है नहीं है हिमालय जरो हमारे क्वेश्चन में चलिए पहला क्या लिखा है हिमालयन क्या इज अ सब स्पीशीज ऑफ मेन एंड ऑफ बिल्कुल सही एंड इज नेटिव टू द हिमालय इधर तक सही है दोस्तों सेंट्रल इंडिया सुंदरबन डेल्टा बिल्कुल गलत है सेकंड स्टेटमेंट क्या है हिमालय जरो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एस वल्नरेबल ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेट स्पीशीज ये बिल्कुल सही है दोस्तों आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट है इसमें वल्नरेबल स्टेटस दिया हुआ है बेसिकली वल्नरेबल का मतलब यह होता है नियरली एंडेजन होने वाला है ज्यादा बच्चा नहीं है हिमालयन जरोज आर हर बी ये बिल्कुल सही है तो टू एंड थ्री इज द आंसर क्वेश्चन नंबर फाइव आर इज द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट सिटीज और प्लेसेस और पोर्ट्स इन श्रीलंका फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नो द आंसर इज ऑप्शन ए पहले आएगा मानार फिर आएगा ट्रिंकोमाली फिर आएगा कोलम्बो फिर आएगा हम्बनडोडा तो दोस्तों मैप में आपको दिखा देता हूँ ये चारों प्लेसेस जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी प्रिम्स की पर्सपेक्टिव में क्योंकि चारों एरिया जो है न्यूज़ में अक्सर आता ही रहता है सबसे पहले मानार गल्फ ऑफ मानार आपने सुना ही होगा ये जो एरिया है गल्फ ऑफ मानार है एक मरीन नेशनल पार्क है इंडिया का ऊपर से हमारा जो ये जो एरिया है ये रामेश्वरम आईलैंड है ये धनुषकोडी है धनुषकोडी से ये जो एरिया ना दोस्तों इसको तलई मानार बोलते है। मतलब हैं तलई मतलब तमिल में हेड होता है तो तलई मानार जगह है ठीक है धनुषकोडी से करीब थर्टी टू फोर्टी किलोमीटर्स जाने से तले मानार पहुंचेगा जो श्रीलंका का पार्ट है तो मानार वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपको मालूम होना चाहिए मानार श्रीलंका का सबसे ऊपर आता है इन चारों में वैसे सबसे ऊपर कौन सा है जाफना एरिया जहाँ एल टी टी का प्रॉब्लम होता था ठीक है तो ये मानार सबसे ऊपर हो गया फिर ट्रिंकोमाली ट्रिंकोमाली कैसे न्यूज़ में आया था दोस्तों देखो इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी के बीच में जो एक्सरसाइज होता है ना मरेटम एक्सरसाइज बाइलाटल जो मरेटम एक्सरसाइज होता है ये मैक्सम टेपे इधर होता है ट्रिंकोमाली अपने न्यूज में पढ़ा होगा ऑफ ट्रिंकोमाली करके ऑफ ट्रिंकोमाली मतलब ट्रिंकोमाली से जो समुद्र आता है ना इस एरिया में ये जो ट्रिंकोमाली ऑफ ट्रिंकोमाली एरिया है तो ट्रिंकोमाली भी न्यूज में आया तो ये भी हो गया तीसरा है कोलंबो कोलंबो तो दोस्तों वैसे भी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका का कैपिटल है वैसे श्रीलंका का दो कैपिटल है आप मुझे बताइए कमन बुक्स में श्रीलंका का दूसरा कैपिटल कौन सा है एक तो कोलंबो हो गया कोलंबो आजकल न्यूज़ में इसलिए भी है दोस्तों इंडिया और जापान मिलकर एक पोर्ट डेवलपमेंट कर रहा है ईस्ट टर्मिनल का आज ही आशीष सर ने सुबह की डेली न्यूज़ में आपको बताया होगा तो ये कोलंबो वैसे भी इंपॉर्टेंट है और चौथा है हम्बन जो सबसे साउथ में है दोस्तों हम्बन के बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि चाइना अपनी जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है जो भी बोलो आप चाइना का एक बहुत बड़ा पोर्ट इधर बन रहा है चाइना पूरा फंडिंग कर रहा है इधर हम्बन टोटा वैसे भी एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी है ठीक है तो हम्बन टोटा में चाइना फंडिंग करके पोर्ट डेवलपमेंट कर रहे है हमें पता है काफी बार न्यूज़ में भी आया था तो हमारा आंसर आपको पता चल गया सबसे पहले मानार फिर टिंकोमाली फिर कोलम्बो फिर हम्बन टोटा आंसर इस ऑप्शन ए वन फोर टू एंड थ्री तो दोस्तों हमारे डेली फाइव मॉक क्वेश्चन फॉर फिल्म इधर खत्म हो रहा है

इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो दोस्तों हमारे वीडियो में इधर बंद कर रहा हूं मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरे वीडियो से कुछ यूज़ हो रहा है अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों को बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में सबका भला हो जाएगा लेक्चर की पीडीएफ डी एफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय हैव है डे